नमस्कार, मैं हूं नारायण शर्मा और आप देख रहे हैं AINS न्यूज 24 चैनल। अब खबरें विस्तार से। ईडी ने छत्तीसगढ़ कांग्रेस के भिलाई विधायक देवेंद्र यादव, प्रवक्ता आरपी सिंह, विनोद तिवारी और आयोग अध्यक्ष के निवास समेत ठिकानों पर सूचना के आधार पर छापेमारी कर जांच की और पूछताछ की। सोमवार को ईडी ने अल सुबह अपनी कार्यवाही प्रारंभ की, जिससे प्रदेश में इसकी चर्चा रही। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने ईडी की कार्यवाही का विरोध किया और छापेमारी की जगह पहुंचकर ईडी के खिलाफ नारेबाजी की। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी की ईडी हाय 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 हाय। मोदी की ईडी हाय 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 हाय। मोदी की ईडी हाय 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 हाय। इधर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ईडी की छापेमारी को राजनीति से प्रेरित कहा। उन्होंने कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा और हाथ से हाथ जोड़े अभियान की सफलता को लेकर इसे भाजपा की झुंझलाहट बताया। भारत जोड़ो यात्रा में जो सफलता मिली, राहुल जी के नेतृत्व में जो यात्राएं हुई कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, उससे भारतीय जनता पार्टी बेचैन है। छत्तीसगढ़ में जो राष्ट्रीय महाधिवेशन होने वाला है, सब लोगों की निगाह यहाँ लगी हुई है और ये अधिवेशन में रोड मैप तैयार होगा 2024 का, 2023 की विधानसभाओं का, उससे भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है। और इस घबराहट के कारण से ये कार्यक्रम सफल ना हो, इसके लिए इस प्रकार से निम्न स्तर के हथकंडे भारतीय जनता पार्टी सरकार ने अपनाया है, जिसकी जितनी निंदा की जाए कम है। क्योंकि सबको पता था कि ये ठीक अधिवेशन के पहले ये रेड करेंगे। सिंघानिया बिल्डकॉन के द्वारा हर्षित लैंडमार्क की लॉन्चिंग के तीसरे दिन प्रोजेक्ट स्थल पर राम जानकी मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की गई, जिसमें हर्षित लैंडमार्क में निवासरत सैकड़ों महिला पुरुष शामिल हुए। इस दौरान शोभा यात्रा भी निकाली गई, जो भ्रमण करते हुए प्रोजेक्ट स्थल पर पहुंची। प्रतिष्ठा में सिंघानिया बिल्डकॉन के CMD सुबोध सिंघानिया सपरिवार शामिल हुए। बैंड बाजा के साथ प्रांत प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न हुआ। सुबोध सिंघानिया ने कहा कि जिस तरह लोग इस प्रोजेक्ट में उत्साह दिखा रहे हैं, उसी तरह धार्मिक कार्य में भी उत्साह दिखाया है। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री राजेश मुन्नत ने ईडी के छापों को लेकर कहा कि कांग्रेस के नेताओं ने 4 साल में जो गोरख धंधा चलाया और अलग तरीके से अर्थव्यवस्था की शुरुआत की थी, उस पर शिकंजा कसा गया है। उन्होंने पूर्व में भी हुई कार्यवाही का खुलासा करते हुए इसे नियमानुसार कार्यवाही कहा। कांग्रेस पार्टी के नेताओं के यहाँ ईडी की रेड, 4 साल से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने गोरख धंधा, एक अलग से अर्थव्यवस्था चलाने का जो काम किया, कोल के ऊपर 25 रुपए माइनिंग अवैध तरीके से, जो ऑनलाइन स्वीकृति पहले मिलती थी उसको ऑफलाइन करके प्रति टन 25 रुपए वसूल कर रही अभियान, और जब अभियान के अंदर मुखिया कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए लोग जो पकड़ाए जाते हैं, जब उनके यहां से डायरिया जब्त होती, कागजात जब्त होते हैं, उसके अंदर मुख्यमंत्री सचिवालय की अंडर सेक्रेटरी तक गिरफ्त में आती है और उसके पास जो कागजात मिलते हैं, कागजात के अंदर स्पष्ट दिया हुआ है कि 25 रुपए टन जो कोल परिवहन का पैसा था, उसका बंटवारा कैसे होता था, इसके तथ्य भी उन्होंने कोर्ट के अंदर प्रस्तुत किए हैं। बंधुआ, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बालोद जिले में छत्रपति शिवाजी जयंती समारोह में शामिल हुए। दिल्लीवार कुर्मी क्षत्रिय समाज के 53वें आयोजन में मुख्यमंत्री ने समाज में उत्कृष्ट कार्य करने वालों का सम्मान किया। इस मौके पर उन्होंने वीर शिवाजी के पराक्रम की बातें भी साझा की। इस अवसर पर उनके साथ विधायक संगीता सिन्हा, कुंवर निषाद समेत समाज के अनेक गणमान्य नागरिक शामिल हुए। शिवाजी महाराज हमेशा
देश भर समाज भर युद्ध करे, सेना भले छोटे रही से लेकिन आत्मबल बहुत ऊंचा रही से। वो आत्मबल के बदौलत मुगल वन के बड़े सेना भी पराजित करने की क्षमता पूरा हिंदुस्तान में कांग्रो पास रही से तो शिवाजी महाराज के पास भी। ईडी की कार्यवाही के बाद पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के बयान को लेकर मुख्यमंत्री ने उन्हें ईडी का प्रवक्ता कहा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि जब जब छत्तीसगढ़ में ईडी की कार्यवाही होती है तब तब पूर्व मुख्यमंत्री प्रवक्ताओं की तरह बयान देते हैं। और वो रमन सिंह जब जब इस प्रकार छापा पड़ते हैं वो प्रवक्ता बन जाते हैं जरूर। कभी आईटी प्रवक्ता बनते हैं, कभी ईडी प्रवक्ता बन जाते हैं। ये तो प्रवक्ता बने हुए हैं और वही करवा रहे हैं क्योंकि किसानी बिल्ली खंबा नोचे। 15 साल में जो काम नहीं कर पाए वो 4 साल के सरकार ने कर दिखाया और जनता का दिल जीता है। छत्तीसगढ़ के मजदूर हो, किसान हो, आदिवासी हो, महिला हो, व्यापारी हो, उद्योग जगत हो, सारे तरफ सब तरफ छत्तीसगढ़ सरकार की सफलता का डंका पूरे प्रदेश में पूरे देश में बज रहा है और उससे बेचैन है भारतीय जनता पार्टी और खासकर रमन सिंह। हिंदू धर्म के प्रचारक प्रवीण तोगड़िया ने हिंदू राष्ट्र निर्माण को लेकर कहा कि हिंदू राष्ट्र तो वेद काल से है ही, हमें हिंदू राज्य बनाना होगा। उन्होंने कहा कि हिंदू राष्ट्र बनाना शब्द ठीक नहीं है बल्कि हिंदू राज्य बनाना शब्द ठीक है। हिंदू राष्ट्र वेद काल से है ही, हिंदू राष्ट्र था, है, रहेगा। हमें देश में बनाना है हिंदू राज्य, उनके लिए अंग्रेजी शब्द है हिंदू पॉलिटिकल स्टेट। हिंदू पॉलिटिकल स्टेट हिंदू राज्य का अर्थ है कि भारत संविधान से हिंदुओं की चिंता करने वाली सरकार आज भारत में नहीं है, इसलिए संविधानिक हिंदू राष्ट्र हमें बनाना, राज्य बनाना है। हिंदू राष्ट्र बनाना यह शब्द ठीक नहीं है, हिंदू राज्य बनाना है वह शब्द ठीक है। दंतेवाड़ा में डीएमएफ फंड के डॉक्टरों ने अपनी मांगों को लेकर एक दिवसीय सांकेतिक हड़ताल की। उन्होंने अपनी इस हड़ताल से सरकार को अवगत कराया कि उन्हें क्या क्या परेशानियां हैं। डॉक्टरों ने समय पर वेतन भी नहीं मिलने का जिक्र करते हुए जिले के 12 डॉक्टरों को परेशानी होने की बात कही। हम सभी डीएमएफ के डॉक्टर्स और कर्मचारी हैं यहाँ पर। हम लोग का जो सैलरी है और सैलरी का जो पार्ट है वो डीएमएफ मद के माध्यम से, जिला प्रशासन के माध्यम से आता है ये। और विगत कुछ वर्षों से हम ये देख रहे हैं कि सैलरी को लेके बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं। हम लोग को समय पे सैलरी नहीं मिलता है और दो दो तीन तीन महीने का पेंडिंग हो जाता है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ईडी के छापों को लेकर कहा कि इनसे हम डरने वाले नहीं बल्कि इससे हमारा इरादा और मजबूत होगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छापों के बाद मीडिया से बातचीत की। उन्होंने इसे राजनीतिक संरक्षण में की जाने वाली कार्यवाही बताया। राजनीतिक लाभ लेने के लिए इस प्रकार से हथकंडे अपना रहे हैं और इससे हम लोग घबराने वाले नहीं हैं, डरने वाले नहीं हैं, बल्कि हमारा इरादा और मजबूत होगा। और मैं पूरे प्रदेश के जनता की ओर से, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की ओर से ये कहना चाहूँगा, ये कार्यक्रम जो राष्ट्रीय महाधिवेशन है जबरदस्त सफलता मिलेगी। ये थे आज के प्रमुख समाचार। आप देख रहे थे AINS न्यूज़ 24 यूट्यूब चैनल। कल फिर मिलेंगे ताज़ा तरीन समाचारों के साथ। तब तक रोजाना की खबरों के लिए आप हमारे लोकप्रिय यूट्यूब चैनल AINS न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।